नमस्कार साथियों, नागपुर न्यूज टीवी पर एक बार फिर मैं मोहम्मद शहजाद आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमने एनएन टीवी के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, एक रिपोर्ट वीडियो हमने शो किया था नागपुर न्यूज टीवी पर। सनीचरा बाजार और कमाल चौक, ये दो एरिए में आज खुले तौर पर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए लोगों ने शॉपिंग करने की वहां पे लगातार कोशिश की है और लगातार लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाया गया है। साथियों, हम लोगों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं और ना ही उन छोटे दुकानदारों पर हमारा सवाल है, क्योंकि वो छोटे दुकानदार हैं, उनकी ज़रूरत है। दो महीने से ज़्यादा लॉकडाउन को हो चुका है और लोगों में एक डर ये भी है कि कहीं 15 दिन के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया ना जाए, और अफवाहों का भी बाजार गर्म है। इसीलिए हम नागपुर न्यूज़ टीवी के माध्यम से लगातार आपको ये न्यूज़ दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो वीडियो हम दिखाते हैं, हमारा दिखाने का मकसद लोगों को पैनिक करना, लोगों में घबराहट पैदा करना नहीं है, लोगों को जागरूक करना हमारा मकसद है। लेकिन हम प्रशासन से, नागपुर महानगर पालिका से भी एक सवाल करेंगे कि, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारा ये सवाल है कि आप लॉकडाउन बढ़ाए जा रहे हो, अगर पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन को बढ़ाना मजबूरी है, लेकिन जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, जिनके काम कारोबार बंद हैं, उनके लिए गवर्नमेंट के पास में क्या स्कीम है, ये सवाल लगातार उठ रहा है। बजट भी घोषित हो गया है, 20 लाख करोड़ का बजट भी गवर्नमेंट ने शो किया, लेकिन राहत अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है। हमारी इसी आवाज़ को पहुंचाने